हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू टुडे आई रीड एसएसटी क्लास सेकंड लेसन टू इसका नाम है बी नीट वाटर हमारी पानी की आवश्यकता जैसा कि आप जानते हैं कि पानी सभी की मुख्य जरूरत होती है बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते हैं पृथ्वी पर मुख्य रूप से सेवेंटी वन परसेंट पानी पाया जाता है और शेष ट्वेंटी नाइन परसेंट जमीन पाई जाती है और इन्हीं दो कारणों से पृथ्वी पर जीवन संभव है कहते हैं कि जल ही जीवन है अर्थात बिना पानी के पृथ्वी पर जीवन नहीं है यदि पानी नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता और पानी के बिना यह पृथ्वी पर कोई प्राणी कुछ भी कार्य न कर पाता चाहे वो पौधे हों चाहे वो एनिमल्स हों सभी को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है और विभिन्न कार्यों में हम पानी का उपयोग करते हैं चाहे वो खाना बनाने में हो सफाई करने में कपड़े धोने में और विभिन्न प्रकार के कार्यों चाहे वो खेतों में पानी की सिंचाई करने के लिए हो इस प्रकार हमें विभिन्न कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है अब टॉपिक आता है कि यह पानी हमें कैसे प्राप्त होता है तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर पानी का मुख्य स्रोत बारिश है जो बरसा ऋतु में बादलों के द्वारा पानी ज़मीन पर बरसता है यह पानी नदी नालों से होता हुआ समुद्र में जाके मिलता है और वहाँ पर यह एवेपोरेशन की क्रिया करके बाष्पीकरण होके एवेपोरेट होके हवा के साथ ऊपर उड़ता है और यह बादल का रूप ले लेता है और जब ये बादल ठंडे होते हैं एक दूसरे के दबाव के कारण टकराते हैं और पुनः बारिश के रूप में पृथ्वी पर बरस पड़ते हैं और तब हमें जाके पानी प्राप्त होता है और यह वर्षा का पानी नदियों में झीलों में तालाबों में और महासागरों में एकत्रित हो जाता है इकट्ठा हो जाता है और कुछ पानी का भाग जमीन के अंदर रिसकर पहुँच जाता है जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं या पानी जमीन के अंदर का पानी कहते हैं और यही पानी हम ट्यूबवेल्स के माध्यम से जब ऊपर खींचते हैं और फसलों की सिंचाई करते हैं इसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं अब टॉपिक आता है शेविंग वाटर पानी को हम कैसे बचा सकते हैं तो पानी के बचाने के बहुत से उपाय हम करते हैं पानी को हम बर्तनों में स्टोर करके उपयोग में लाएं यदि हम पानी के नल का उपयोग करते हैं तो जितनी आवश्यकता है उतना ही खोलें और उसके बाद उसको बंद कर दें और पानी नहाते समय गाड़ी धोते समय या अन्य कार्य करते समय पानी को बर्बाद ना करें यदि पानी का स्तर कम हो जाएगा तो हमारे लिए पीने के लिए भी शुद्ध पानी नहीं मिलेगा इस तरह हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए कुछ मुख्य महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हमें सदैव याद रखना चाहिए सभी जीवित वस्तुओं को पानी की आवश्यकता होती है वाटर हैज़ नो टेस्ट नो स्मेल नो कलर अच्छा पानी का कोई स्वाद नहीं होता है ना ही पानी में स्मेल आती है ना ही पानी का कोई कलर होता है इफ देअर नो वाटर देयर कैन बी नो लाइफ यदि पानी नहीं रहेगा पृथ्वी पर तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा रेन वाटर पानी पौधों के लिए और जानवरों के लिए जरूरी है यदि पानी नहीं होगा तो पृथ्वी पर पौधे और प्राणी कोई भी नहीं रहेगा रेन वाटर कलेक्ट इन रिवर्स लेक एंड ओशन वर्षा का पानी नदियों में झीलों में और तालाबों में एकत्रित हो जाता है बी मस्ट वॉयल और फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग अर्थात जब पानी हम पिए तो उसको या तो फिल्टर करके पिएँ और या फिर बॉइल करके पिए जिससे कि पानी शुद्ध मिले और हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ ना हों और इसी लेसन को यहीं पर समाप्त करते हैं थैंक यू